प्रोग्राम चालू करते हैं, बहुत देर आ दिखे चालू करते हैं। बरे, 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 अरे ओ भीड़े भीड़े क्या भाई, मैं अभी तक आया नहीं, मेरे बगैर प्रोग्राम चालू कर रहे हो तुम लोग। आ गए भीड़े भाई, टप्पू के पापा आ गए। वेलकम वेलकम बेटा, बोला टप्पू के पापा अब कहां थे? आए अरे यार, कब से तेरे नाम की बुआओं हो रही है और तू है कि तेरा कुछ पता ही नहीं है। बापूजी वो एक पार्टी का अर्जेंट फोन आ गया था इसलिए लेट हो गया। बैलेंस की कीमत तुम क्या जानो भीड़े बाबू। चल चल भाई भिंडी मस्त प्रोग्राम चालू कर। हाँ चालू करो चालू करो। क्या चालू करो क्या पोपट लाल, क्या पानी का पंप चालू करना है? प्रोग्राम तो चालू नहीं हुआ, ये साहब चालू हो गया। और तुम क्या अचानक चालू करो बोलने लगे? अभी थोड़ी देर पहले तुम जेठलाल से 1,00,000 रुपया फाइन लेने की बात कर रहे थे। पोपट लाल नहीं, मैंने नहीं बोला, यार भाई ने बोला था। यार भाई जनरल वो क्या है कि तुम नहीं आया ना, तो हमने सोचा कि तुमने कुछ सोचा ही नहीं है इसलिए तुम नहीं आया। और फिर रूल के हिसाब से 1,00,000 रुपए का फाइन तो बनता है ना। अरे लेकिन ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं नहीं आऊंगा? ये पापड लाल का वजह से क्या है? वो हमने यहाँ वो ड्रेस डिजाइनर से भी पूछा, भाई तो तुमने कोई ड्रेस बनाने के लिए दिया है? तो उन्होंने भी मना किया। तो भाई इन सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि तुम नहीं आने वाले। अरे ना वे बीजा, आऊं कच्चे माड़ वहीं। ये कच्ची मारू आ तो गए लेकिन करेगा क्या, तूने तो कोई ड्रेस भी नहीं बनवाया। बाबूजी मेरी जो वेशभूषा है ना वो इतनी खास है कि यह किसी डिजाइनर के बस की बात ही नहीं है। मैंने खुद अपना ड्रेस डिजाइन किया है। तुम्हारा ड्रेस तुमने खुद डिजाइन किया है? हाँ जी। क्या फेंक दिया जयटल? एक मिनट यार भाई, क्या फेंको मत के, आपको क्या मालूम मेरा क्या ड्रेस है? क्या मालूम आपको? नहीं क्या है वो ड्रेस डिजाइनर ने बोला ना, बिना जाने बिना फेंको मत। अरे एक मिनट अभी ये सोसाइटी मीटिंग थोड़ी है झगड़ा करने के लिए। क्या चल रहा है भाई, हम लोग यहाँ पे स्पर्धा के लिए आए और अगर जेठाल ने कुछ परफॉर्म नहीं किया तो 1,00,000 रुपया भर देगा। ओ भाई 1,00,000 भरने की बात छोड़, उल्टा बेस्ट वेशभूषा का इनाम मुझे मिलेगा देखना। ठीक है भाई, ठीक है जेठालाल, नो प्रॉब्लम, अभी प्रोग्राम शुरू करें। हाँ चलो मैं आ गया हूँ। चलो हाँ चलो। आ गए क्या यार भाई, ये दिन भी नहीं आए थे तो इन तीनों से 1,00,000 रुपये फाइन लेने का याद नहीं आया आपको? जेठालाल ये लोग हमारे स्पेशल गेस्ट है, दे डोंट लिव इन सोसाइटी। अय्यर भाई हम लोग इसी समाज में रहते हैं, आप ये बोलिए दे डोंट लिव इन अवर गोकुलधाम सोसाइटी। सॉरी सो टेक्निकली वी कैन नॉट टेक फाइन फ्रॉम देम। थैंक यू वेरी मच अय्यर भाई फॉर योर टोल फ्री जेस्चर। सही बात है। चल 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 भिड़े भाई, पंप चालू कर, मेरा मतलब है प्रोग्राम चालू कर। हां चलो चलो ये बाबू चलो, ये रोशन डालो इंडिया को, चलो 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 चलो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यहाँ एक ऐसा कार्यक्रम होने वाला है जो आज तक गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं हुआ। Yes! हाँ तो आज के दिव्य वेशभूषा कार्यक्रम के रूल्स के हिसाब से सभी को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। Yes! और जो भी इस दिव्य वेशभूषा स्पर्धा में हिस्सा नहीं लेगा उसे 1,00,000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। यार भाई तो अब इस प्रोग्राम को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए और इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए हमने एक स्पेशल पर्सन को बुलाया हुआ है। कौन है? तो प्लीज वेलकम मिस कियारा। मैं हूँ क्यारा और आज के वेशभूषा कार्यक्रम में आप सभी
जी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू थैंक यू। यारा जी कैसी हैं आप? ए ए मेन सवाल पूछना भाई। एक्चुअली पोपटलाल जी मेरी शादी हो चुकी है। पोपट आपकी तो शादी हो चुकी है कियारा जी, लेकिन इनको नहीं मिल रहा है किनारा जी। हाँ तो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ तो अभी ऐसे पूछो पोपटलाल, कैसी है भाभी जी? जेठालाल मैंने पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। अभी क्या? मैं जानती हूँ कि आप लोग अपनी वेशभूषा के साथ एक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और ये जानने के लिए भी कि सामने वाले की वेशभूषा क्या होगी और वो क्या परफॉर्म करेगा, राइट? आज का थीम ही इतना प्रभावशाली है कि सबको एक्साइटमेंट है कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आज मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कौन कैसी वेशभूषा पहनने वाला है और क्या बनने वाला है। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें ये प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। और एक और बात, यहाँ पर बैक स्टेज में आप लोगों के लिए मेकअप रूम्स भी बनाए गए हैं, जहाँ पर हेयर ड्रेसर है, मेकअप दादा है और तो और आपके गेटअप के लिए ड्रेस डिजाइनर भी है। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड डब्बू सेना। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आज जिसकी वेशभूषा सबसे अच्छी होगी उसे एक अवार्ड भी दिया जाएगा। वाह 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 वाह। लेकिन कियारा जी अवार्ड है कहाँ? अरे वो खुद नहीं है, अभी दिखाएंगे अवार्ड। अच्छा पोपट जी आपको अवार्ड देखना है ना? हाँ बिल्कुल। टप्पू सोनू बहुत सुंदर, क्या बात है। और ऊपर हीरे का लड्डू लगा हुआ है। लड्डू ऊपर वो डायमंड का बॉल है पूरा है? So, अवार्ड तो आप लोगों ने देख लिया, अब अवार्ड है तो जज भी तो होंगे ही ना? बताओ तू कौन है? हमारे बीच में आज एक स्पेशल जज आने वाले हैं। ओहो हो कौन कौन है? एनी गेसेस कि वो कौन है? नहीं कौन है? नहीं भाई बताओ बताओ, आप ही बताओ कौन है। मम्मी बता दो बेटा। ओके 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 मैं बताती हूँ। वो हमेशा हंसते रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं और तो और सोसाइटी में आते जाते रहते हैं। सुंदर तो नहीं? होगा भगवान। अभी भी नहीं समझे। अच्छा चलिए मैं आप लोगों को छोटा सा हिंट देती हूँ। जिन्होंने पोपट लाल जी की शादी कराने का जिम्मा उठाया था? आसिफ कुमार मोदी जी। जी हाँ। अरे आसिफ, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री आसिफ कुमार मोदी जी का। आसिफ भाई इस स्टेज पे आइए। आसिफ भाई मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से आज के इस दिव्य वेशभूषा कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू थैंक यू। और आसिफ अंकल थैंक यू सो मच कि आप हमारी एक रिक्वेस्ट पे आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच यहाँ पर आए। टप्पू रिक्वेस्ट करे और मैं ना हूँ, और टप्पू की रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट थोड़ी होती है, वो तो ऑर्डर होता है, तो आना ही पड़ता है। और ऊपर से मेरे गोकुल धाम वाले लोग, इनको मिलने के लिए तो मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच आसिफ अंकल। थैंक यू थैंक यू।
इसे मानना पड़ेगा टप्पू से ना, क्या जबरदस्त सरप्राइज दिया जज के तौर पे। हाँ अरे एकदम, हाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि आशित भाई जज बन के आ सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बेस्ट वेशभूषा का अवार्ड मुझे ही मिलेगा। क्यों कैसा कैसा भाई क्यों? आशित भाई जज है ना। हाँ तो आशित भाई को मुझसे खास लगाव है, बहुत मानते हैं मुझे, इसीलिए तो मेरी शादी कराने की जिम्मेदारी ली है। जाहिर सी बात है अवार्ड भी मुझे ही देंगे। ये क्या बात है? एक मिनट एक मिनट, अरे भाई ये तो लगभग सही हो गई। सिफारिश गिरी? हाँ ऐसा नहीं होगा, भाषण का ही है। अरे भाई प्लीज प्लीज, शांति शांति शांति, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे पोपटलाल, मैंने तुम्हारी शादी का भले वादा किया हो, लेकिन तुम्हारी शादी अपनी जगह पर है और ये दिव्य वेशभूषा अपनी जगह पर है। दोनों चीज मिक्स मत करो पोपटलाल। और मैं यहाँ पे जज हूँ, तो मैं किसी के साथ भी कोई भी पार्शियलिटी नहीं करूंगा। जो अच्छी वेशभूषा करेगा, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, उसी को इनाम दिया जाएगा। ठीक है जेठालाल? परफेक्ट जज लाया ये लोग। हाँ ऐसा ही होना चाहिए जज। ये टप्पू ने आज की शाम का सबसे डिफिकल्ट काम मुझे दिया है, मुझे जज बना दिया है। और आप गोकुलधाम वाले, मुझे मालूम है एक से एक लाजवाब जबरदस्त परफॉर्मेंस करने वाले हैं, और मेरे लिए बहुत कठिन होने वाला है। तो आज की शाम का शुभारंभ करते हैं गोकुलधाम वालों। अरे कियारा ध्यान रखो, क्या कर रहे हैं आप? तो आज की शाम का शुभारंभ करते हैं टप्पू सेना आयोजित दिव्य वेशभूषा 2017। तो सब लोग तैयार है ना? तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को ऑल द बेस्ट। गणपति बापा का स्मरण करते हुए आज की दिव्य वेशभूषा कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। गणपति बाबा, हम आज के कार्यक्रम में अलग अलग देवी देवता और संत महात्मा का वेश धारण करने वाले हैं। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें। बोला गणपति बाबा। चलिए, आपको जिसका बेसब्री से इंतजार है वो दिव्य वेशभूषा कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बुलाते हैं, किसके बुलाएंगे? चलिए मैं बताती हूँ, आपके और हमारे सबके यार, सबके हमजोली टप्पू सेना के टोली से गोली। बात है, मैं प्रथमेशम विनायक गजानन लंबोदर, मैं
विघ्न हरता, विघ्न को लेता हूँ हर हर। मैं गणाध्यक्ष रिद्धि सिद्धि का पति गणपति, मैं हूँ लंबोदर क्योंकि मेरे उदर में बसती है समग्र सृष्टि चराचर। गज के शीर्ष में है अपार ज्ञान और बुद्धि का भंडार। बड़े कान मेरे हर भक्त की प्रार्थना को सुनते हैं और लंबी नाक अनुकूलनशीलता और सामर्थ्य दर्शाती है। जो भी हमारी शरण में आता है वो मोदक की तरह मीठे फल पाता है। बोला गणपति बाप्पा। सुंदर मूर्ति दिव्य वेशभूषा की शुरुआत ही गणपति बाप्पा से हो गई। अरे ये कंपटीशन है बेटा, वंस मोर कैसे हो सकता है। इतना अच्छा किया तो एक बार तो और होना चाहिए। सबको परफॉर्म करना है ना सॉरी। बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था है ना। तो जब आज के कार्यक्रम की शुरुआत ही गणपति पप्पा की आराधना से हुई है तो आज के कार्यक्रम में सब शुभ ही होगा। तो बोलो गणपति पप्पा। चलिए अब बुलाते हैं कोमल दिल वाली कोमल भाभी को। आइए आइए कोमल भाभी। तेज मिला के रख देना। असुरों का करती हूँ विनाश, पापों का करती हूँ सर्वनाश, सत्कर्मों की करूँ रखवाली, मैं मोह माया महादेवी महाकाली। सोसाइटी में दिव्य वेशभूषा कार्यक्रम का प्रारंभ हो चुका है। अब सोचिए जब आगाज इतना चमत्कारी है तो अंजाम तक पहुंचते पहुंचते कितने कितने अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे। और देखिए अब तक जो हुआ है उसके बारे में जानते हैं उनसे जो इस कार्यक्रम के निर्णायक हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सर्जक है यानी कि असित कुमार मोदी जी से। पूछते हैं उन्हीं से कि वो क्या सोच रहे। असित भाई कैसा लग रहा है। अरे मेहता साहब अभी तक के परफॉर्मेंस देख के तो मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ और पता नहीं आगे चल के क्या क्या परफॉर्मेंसेस और वेशभूषा होने वाली है। वो तो वाकई अकल्पनीय होने वाला है। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ। हाँ। आप तो कवि है जी। मैं बड़ा उत्सुक हूँ कि आप कौन सी वेशभूषा करने वाले हैं। उत्सुकता तो है कि मैं क्या बनने वाला हूँ। तो देखिए ऐसा है आसिफ भाई, कमाल जो बनने वाला है वो कमाल है। आप बताइए बताइए। लेकिन जो मैं बनने वाला हूँ ना वो जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अरे भाई ऐसे हम इंतजार करेंगे। हाँ इंतजार का फल मेहता होता है। क्या बात है मेहता साहब, बाबा क्या बात है। देखिए तुम्हें तो देखा
मैंने इस कार्यक्रम के निर्णय आया ज्ञानी कृषि असद कुमार मोदी जी को भी नहीं बताया कि मैं क्या बनने वाला हूँ। मैं जानता हूँ आपके मन में भी उत्सुकता है और उत्साह है ये जानने का कि हम लोग क्या बनने वाले, लेकिन इस उत्सुकता को बनाए रखिए, आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, ये वादा मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो आप देखने जा रहे हैं आपने कभी नहीं देखा होगा, अनुपम अद्भुत अद्वितीय। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.